हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो देखेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर इसलिए देखेंगे क्योंकि कुछ लोग नए एडमिशन लिए हुए हैं, तो ताकि उनके लिए भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। इसलिए जो है वीडियोज के द्वारा हम थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो यूनिट है लाइफ की वो क्या है? तो सबसे पहले इसको बताया ना रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने जो है कॉर्क का चिप्स लिया हुआ था। कॉर्क का चिप्स मतलब वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, आज भी देखेंगे उसके कॉर्क के पीछे बैक साइड पे एक छोटा सा चिप्स लगा होता है पैकिंग के लिए। अभी मॉडर्न में आप प्लास्टिक का देखेंगे, जैसे आप कोको कोला और स्प्राइट इन सब के देखेंगे, तो एक पतला सा चिप्स लगा हुआ था। तो वो जो है उड का था, वो जो उडन चिप्स था उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पर देखा तो उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए रॉबर्ट हुक को, जो हनी के कॉम्ब लाइक थे, हनी के कॉम्ब लाइक थे छोटे छोटे। उन्हों को रॉबर्ट हुक ने कहा सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम जानते हैं कि वही सेल जो किसी की लाइफ होती है उसी का वो फंडामेंटल यूनिट होती है। जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। इट मीन्स कि किसी की जो लाइफ है वो एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। उसकी जो बॉडी है वो एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। अब हम जानते हैं, ये वी नो दैट एनिमल्स आर टू टाइप। सम एनिमल्स आर यूनिसेलुलर एंड सम एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एज लाइक अमीबा और मल्टीसेलुलर एज लाइक काउ, बफेलो या इंसेक्ट्स। तो ये जो है टू टाइप के एनिमल्स हैं। जो यूनिसेलुलर हैं, दैट्स एनिमल बॉडी फॉर्म बाय द ओनली सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर मीन्स द एनिमल विच बॉडी फॉर्म मोर देन सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। These are the example of unicellular. And multicellular examples are many insects, earthworm, fishes, cow, buffalo, mammals, reptiles. These are the many examples. But that's body formed by the fundamental unit, by the cell. What is the cell? Now our question is, what is the cell? The definition of the cell. Cell is the structural and functional unit. Structural and functional unit of the body or any organism. Cell is the structural and functional unit of any organism. What is the means of structural unit? Now we will see what is the means of structural unit. It means the animal's body formed by the cell. That's animal body unit is a cell. Ek cell, dusri cell, phir teesri cell, chauthi cell, panchvi cell, chhatvi cell. सेल से ही मिलकर पूरी बॉडी बनी है और सेल आपस में एक दूसरे से ज्वाइन है। फॉर एग्जांपल, जैसे ईंटे का चट्टा रखा होता है, और जैसे ये ईंटा, दूसरा ईंटा, तीसरा ब्रिक्स, चौथा, पांचवा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। एक ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स, आगे ब्रिक्स, पीछे ब्रिक्स, दाएँ ब्रिक्स, बाएँ ब्रिक्स, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, हर तरफ ब्रिक्स हैं।
तो इस प्रकार से वो उनकी बॉडी भी है जो कि सेल से बनी हुई है, हर तरफ सेल है, ये सभी सेल हैं। तो ये हो गए मल्टी सेलर में। अब ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, जैसे वाल होती है एक एक ईंट से मिलकर बनी होती है जो कि चारों तरफ उसके सीमेंट लगे होते हैं, मोरम लगी होती है, बट उसकी जो सिंगल यूनिट है वो ईंट है। कुछ ऐसे ही बॉडी है, बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है। इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी जो मदर होती है, मदर से आती है एक सेल जिसको बोलते हैं ओबा, और उसके फादर से आता है एक सेल जिसको बोलते हैं स्पर्म, और ये दोनों सेल मिल जाती हैं आपस में, बनाती हैं ओबा। ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। अब इसी ओबा से उसका डेवलपमेंट होगा, इसी ओबा से उसका डेवलपमेंट होगा, वो आगे दो सेल, फिर दो सेल से चार सेल, इट मीन्स फर्स्ट टाइम टू सेल्स, टू सेल फोर सेल, टू एट सेल, टू 16 सेल, टू 32 सेल, टू 64 सेल, दिस टाइम डिवाइड दिस सेल, इस प्रकार से ये सेल डिवाइड होती चली जाएंगी। और वो इस जो ओबा है वो अलग अलग स्टेजेस पर एक न्यू यंग वंस फॉर्म करेगा। तो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सिंगल सेल ही थी और उसका नाम था ओबा। हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं। सेम यही प्रोसेस हर उस एनिमल में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हर उस एनिमल में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनिमल। अब हम देखेंगे फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शनल यूनिट होने का मीन्स है, ये मतलब है कि एक सेल जिस कार्य को करती है वही कार्य हर एक सेल करती है। और इसका यह भी मतलब है कि हम, मतलब एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस कार्य को भी करते हैं वो सेल की देन होती है। मैं अभी बोल पा रहा हूँ, मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो इसमें मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, मेरी एनर्जी, मेरी एनर्जी मतलब मेरी सेल की एनर्जी, मैं तो एनर्जी बनाता नहीं, मेरी सेल्स बनाती हैं अलग अलग, और वो सभी सेल्स जो है उस एनर्जी को, किसी एक सेल की एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे सेल का एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ, तो उन सारी सेल्स के एनर्जी का यूज़ करके मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अभी चलता हूँ, मूव करता हूँ, तो उस सारी सेल्स की एनर्जी का यूज करके मैं जो है चल लेता हूँ या बोल पाता हूँ। ओके, तो ये जो है सेल है, और इसका जो एक सेल जो काम करती है वही सेल, वही काम दूसरी सेल भी कर सकती है, लेकिन अपने कार्य के बंटवारे के हिसाब से, सबका वर्क ऑफ डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर, सबका कार्य का बंटवारा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना कार्य करते रहते हैं। तो फंक्शनल यूनिट होने का मतलब है हमारी बॉडी की हर एक सेल कार्य करती है, और जितने भी वर्क किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो सारे वर्क उस सेल्स के वर्क का देन होती है, सारे सेल्स की जो वर्क होता है उन्हीं की देन होती है। जैसे मैंने एनर्जी के रिस्पॉन्ड में बात किया, अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ डाइजेशन के रिस्पॉन्ड से। अगर मैं कोई चीज़ डाइजेस्ट करता हूँ तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा, वो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा, और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो एट लास्ट सेल में ही होना है, एट लास्ट सेल में ही होना है ब्रेकडाउन। तो इसका जो कह लीजिए रेस्पायरेशन होगा ग्लूकोज का, जो ये तोड़ा जाएगा, जो इसकी एनर्जी निकाली जाएगी, वो उसका कार्य भी सेल ही करेगी, जो हमें एनर्जी देगी इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसका कार्य भी सेल ही करेगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। डेफिनेशन एक बार फिर से, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।